तांदियावाला से अपडेट देंगे। इंसानियत की खिदमत करने के लिए जगह और वक्त और हालात नहीं देखे जाते, सिर्फ और सिर्फ जज्बा खिदमत होना चाहिए। इसकी मिसाल पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर ने सर अंजाम दी। ये ग्रेट पुलिस ऑफिसर एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद शमसुल हक दुरानी हैं। वाकया कुछ यूं हुआ कि मोटरवे पर दो कारें तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गईं, जिसमें छोटे बच्चे भी सवार थे। जो जख्मी हुए वहाँ से लाहौर हाईकोर्ट पेशी के सिलसिला में गुजरते हुए एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद शमसुल हक दुरानी ने फौरी अपनी गाड़ी रोकी और फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। ये फैमिलीज शर्कपुर और लाहौर की थी, इनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल थे। बड़े भाई को सर में चोटें आई। जब बच्चों ने एसपी सदर और इनके स्क्वाड को देखा तो उनको हौसला हुआ और छोटी बहन के अल्फाज थे, भाई घबराओ नहीं, अंकल पुलिस आ गई है, अब हमें कुछ नहीं होता। एसपी साहब ने दोनों बहन भाई को अपनी गोद में उठाया, जो इस वक्त काफी घबराए हुए थे, उनको दिलासा दिया। बात करने का मकसद यही था कि अगर किसी ने मुतासरीन की मदद करनी हो तो वक्त और जगह नहीं देखे जाते। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि लोग आज भी पुलिस को ही अपना मसीहा समझते हैं। एसपी साहब के इस इकदाम से महकमा पुलिस का जहां वकार बुलंद हुआ, वहीं पर तांदियावाला और सदर डिवीजन के लोगों के लिए भी फखर की बात है कि उनके एसपी ने इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम कर दी, जो कि इस बात का वाज़ह सबूत है कि मुल्की इदारे और उनसे वाबस्ता लोग ही असल में दुखी इंसानियत के मसीहा हैं।